आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर बैंक का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं पावर फैक्टर और पावर फैक्टर करेक्शन क्या होता है। जब पावर सिस्टम में इंडक्टिव लोड ज़्यादा हो जाता है तब एक्टिव पावर के साथ साथ लाइन में इंडक्टिव पावर भी यानी रिएक्टिव पावर ज़्यादा फ्लो होने लगता है। ज़्यादा रिएक्टिव पावर के कारण लाइन में ज़्यादा लाइन करंट फ्लो होता है जिससे ज़्यादा पावर लॉस होता है। लाइन में रिएक्टिव पावर फ्लो होने से लाइन का एपरेंट पावर भी इंक्रीज होता है, जहाँ पर एपरेंट पावर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का वेक्टर सम है। यहाँ पर एक्टिव पावर और एपरेंट पावर के रेशियो को पावर फैक्टर कहा जाता है। यह एक्टिव पावर जो कि एक्चुअल में वर्क डन के लिए कंज्यूम होता है। ये देखते हैं पावर फैक्टर कैसे लो होता है। जब लाइन में रिएक्टिव पावर इंक्रीज होता है तब एपरेंट पावर भी इंक्रीज होता है और पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, यानी पावर फैक्टर एपरेंट पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। यानी एपरेंट पावर इंक्रीज होने पर पावर फैक्टर लो होता है। लो पावर फैक्टर होने के क्या क्या डिसएडवांटेज है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए पावर फैक्टर करेक्शन कैसे करते हैं वो जानते हैं। रिएक्टिव पावर दो तरह के होते हैं, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टिव पावर। इंडस्ट्रीज में इंडक्टिव लोड ज़्यादा होने से लाइन में इंडक्टिव रिएक्टिव पावर ज़्यादा फ्लो होता है, इस वजह से पावर फैक्टर लो हो जाता है। इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर से कंपनसेट किया जा सकता है। यानी अगर लाइन में जितना इंडक्टिव रिएक्टिव पावर है और हम अगर उतना ही कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर ऐड करते हैं तो नेट रिएक्टिव पावर ज़ीरो हो जाएगा। पावर फैक्टर इंक्रीज करने के लिए लाइन के अक्रॉस कैपेसिटर बैंक लगाकर लाइन में कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर फ्लो करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कितने पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कितनी रेटिंग की कैपेसिटर बैंक को लाइन के अक्रॉस कनेक्ट करना पड़ता है। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए ज़रूरी कैपेसिटर बैंक की रेटिंग को इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। KVAR इज इक्वल टू पावर इंटू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, जहाँ पर KVAR इज इक्वल टू रिक्वायर्ड KVAR रेटिंग, P इज इक्वल टू एक्टिव पावर, थीटा वन इज इक्वल टू इनिशियल पावर फैक्टर एंगल, थीटा टू इज इक्वल टू टारगेट पावर फैक्टर एंगल। फॉर एग्जाम्पल 100 किलोवाट लोड के लिए इनिशियल पावर फैक्टर 0.75 लैगिंग है और हमें टारगेट पावर फैक्टर 0.98 लैगिंग चाहिए, तो कितने KVAR का कैपेसिटर बैंक लगाना चाहिए। यहाँ पर हमें एक्टिव पावर यानी 100 किलोवाट दिया गया है और इनिशियल पावर फैक्टर 0.75 है, तो इनिशियल पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू थीटा वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.75, यानी थीटा वन इज इक्वल टू 41.4। अब टारगेट पावर फैक्टर एंगल ढूंढने के लिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.98, यानी थीटा टू इज इक्वल टू 11.4 डिग्री। अब सभी वैल्यू को फॉर्मूला में डालकर रिक्वायर्ड KVAR की रेटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू है 68 KVAR। यानी 0.75 लैगिंग पावर फैक्टर को 0.98 लैगिंग तक लाने के लिए 68 KVAR का कैपेसिटर बैंक लाइन के अक्रॉस लगाना पड़ेगा। तो इस तरह हम रिक्वायर्ड कैपेसिटर बैंक का कैलकुलेशन कर सकते हैं और पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें AJ इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।